नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ में निकाली गई भर्ती के बारे में। इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, ग्रुप सी की वैकेंसी निकाली गई है। स्टाफ नर्स और नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों ये जो वैकेंसी निकाली गई है सिर्फ महिलाओं के लिए है, यहाँ पर मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी दोस्तों 162 निकाली गई है, ऑल ओवर इंडिया से इसमें कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर दोस्तों जिन कैंडिडेट के पास बीएससी नर्सिंग नहीं है तो यहां पर दोस्तों उनके लिए दोस्तों यहां पर जिनके पास दोस्तों कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट है वो भी आवेदन कर सकते हैं। जिनके पास दोस्तों DOE ACC सर्टिफिकेट भी है वो भी दोस्तों यहां पर आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो अंत तक आप जरूर देखिएगा क्या क्वालिफिकेशन यहां पर होनी चाहिए, क्या यहां पर मांगा गया है और कैसे इसको ऑनलाइन आवेदन करना है। मैं आपको सारी डिटेल दोस्तों इस वीडियो में लेकर आया हूँ, तो वीडियो अंत तक आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इस चैनल पर दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों इस चैनल पर 100% ऑथेंटिक एंड जेन्युइनली गवर्नमेंट भर्ती के बारे में ही बताया जाता है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों यहां पर जो है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन, यानी कि क्या क्या क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें, अगर आपके पास दोस्तों यहां पर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग से किया हुआ है या आपने मिडवाइफरी कोर्स किया हुआ है किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से, तो फ्रेंड्स यहां पर आप आवेदन कर सकते हैं। और यहां पर दोस्तों अगर आपके पास डिप्लोमा नर्सिंग नहीं किया हुआ है तो यहां पर दोस्तों बीएससी नर्सिंग किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यह भी दोस्तों अगर आपके पास नहीं है तो यहां पर दोस्तों अगर आपके पास कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट है जो 80 घंटे का यहां पर मांगा गया है, किसी भी गवर्नमेंट संस्थान से किया हुआ होना चाहिए, तो यहां पर दोस्तों आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो है जिन भी कैंडिडेट के पास दोस्तों DOE ACC यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट है वो भी कैंडिडेट दोस्तों यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ दोस्तों यहाँ पर जो है डिप्लोमा बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री और जिन्होंने यहाँ पर कंप्यूटर साइंस किया हुआ है वो सभी कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। उनके लिए दोस्तों यहाँ पर ICT स्किल्ड कोर्स का सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। वहीं दोस्तों बात करें एप्लीकेशन फीस की, अगर दोस्तों आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप SC ST के अंतर्गत आते हैं तो दोस्तों यहां पर जो है आपको ₹500 यहां पर आवेदन शुल्क देना है। वहीं दोस्तों अगर आप जनरल OBC और EWS के कैंडिडेट हैं तो यहां पर दोस्तों ₹1000 एप्लीकेशन फीस यहां पर आपको देना है। और वहीं एक्स सर्विसमैन और PHPWD कैंडिडेट के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी आवेदन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। वहीं दोस्तों बात करें एज की, तो यहाँ पर दोस्तों जो एज रखा गया है 18 से 37 साल के कैंडिडेट जो है वो आवेदन कर सकते हैं, जनरल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं हम। और यहाँ पर दोस्तों जो एज की जो यहाँ पर जो सीमा है 18 से 37 साल, वो 1/1/2021 तक हो जानी चाहिए। वहीं दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि SC ST जो SC ST के कैंडिडेट होते हैं उनको दोस्तों यहाँ पर 5 साल का एज में रिलेक्सेशन मिलता है, और वहीं दोस्तों OBC को यहाँ पर जो 3 साल का एज में रिलैक्सेशन यहां पर दिया जाता है, ठीक है। वहीं दोस्तों बात करें फॉर्म भरने की लास्ट डेट, फॉर्म को दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करना है, मैं अभी आपको बताने वाला हूं कैसे आप कहां पे जाके आपको दोस्तों ऑनलाइन यहां पर रजिस्ट्रेशन आपको करना है। वहीं दोस्तों बात करें फॉर्म भरने की लास्ट डेट, तो यहां पर 27 दिसंबर 2021 का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है दोस्तों। और यहां पर दोस्तों सिलेक्शन क्राइटेरिया दोस्तों रिटन टेस्ट के यहां पर सिलेक्शन किया जाएगा, Part 1 Part 2 यहां पर लिया जाएगा। Part 1 तो यहां पर आप देख सकते हैं नॉलेज ऑफ कंसर्न पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए दोस्तों यहां पर उससे रिलेटेड यहां पर जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे जो 70 मार्क्स के होने हैं। और Part 2 में दोस्तों यहां पर जो है प्रैक्टिकल, यहां पर आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल असाइनमेंट टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो भी आपके रिलेटेड फील्ड है, जिस भी फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 30 मार्क्स का होगा। टोटल दोस्तों यहां पर 100 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पर पूछा जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड चलते हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ये जान लेते हैं आपको दोस्तों कैसे नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है और कैसे इसको यहां पर जो फॉर्म को अप्लाई करना है। फ्रेंड्स यहां पर आप देख पा रहे हैं हम GMCH यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, और वेबसाइट का लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जैसे ही दोस्तों यहां पर वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे तो यहां पर दोस्तों एक पॉपअप करके यहां पर शो होगा, और यहां पर दोस्तों 3rd ऑप्शन ही आपको देखने को मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हैं जिस भी पोस्ट की हम बात कर रहे हैं यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर फिलिंग अप ग्रुप सी पोस्ट स्टाफ नर्सिंग और नर्सिंग ऑफिसर के लिए। सिंपली फ्रेंड्स यहां पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहां पर एक और पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर दोस्तों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है, इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करके यहां पर आप पढ़ सकते हैं। पब्लिक नोटिस, जनरल इंस्ट्रक्शन, हाउ टू अप्लाई, और यहां पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है इसको भी आप पढ़ना चाहते हैं तो यहां से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहां पर आप सिंपली यहां पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म करके यहां पर ऑप्शन दिया गया है, सिंपली दोस्तों इस पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पे आप क्लिक करते हैं ऑनलाइन फॉर्म पे, तो यहां पर दोस्तों थोड़ा सर्वर
प्रॉब्लम आ गया है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी वगैरह आपको चुना है और यहाँ पर सारी डिटेल जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है फ्रेंड्स वो यहाँ पर आपको डालनी रहेगी। ठीक है, यहाँ पर सारी अपने पर्सनल डिटेल दोस्तों यहाँ पर आपको डालना है। यहाँ पर कैटेगरीज वगैरह आपको चुननी है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अपना नाम डालना है, फादर नेम डालना है, सारे डिटेल यहाँ पर आपको फिल कर लेना है और यहाँ पर दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर कर लेना है। एक बार रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सफलतापूर्वक हो जाने के बाद सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पर आप लॉग इन करके यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर लेना है लॉग इन वाले ऑप्शन पर। ठीक है, तो जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको पास दोस्तों जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो लॉगिन आईडी और यहाँ पर पासवर्ड यहाँ पर मिल चुका होगा, सिंपली दोस्तों वो डाल के यहाँ पर लॉगिन आपको कर लेना है और फॉर्म को आगे यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप निश्चित ही फॉर्म भर लेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।